गाइस, अगर ब्लूटूथ रिसीवर्स की बात करें, ब्लूटूथ रिसीवर के जो किट्स आते हैं उनकी बात करें, तो हमारे चैनल पर मैंने आपको तीन तरह के ब्लूटूथ रिसीवर किट्स के बारे में बताया है। उसमें से गाइस, जो ये वाला ब्लूटूथ पैनल है, इसी ब्लूटूथ पैनल के ऊपर मैंने दो वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस, उसके बाद जो ऐसे ब्लूटूथ कार्ड्स आते हैं, उन्हीं ब्लूटूथ कार्ड को यूज करके हमने बहुत से ऐसे स्पीकर्स भी बना चुके हैं। और गाइस, उसके बाद जो गाइस इस तरीके के ब्लूटूथ मॉड्यूल्स आते हैं, ब्लूटूथ रिसीवर के किट्स जो आते हैं, उसके बारे में गाइस हमने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, जिस पर गाइस कुछ ऐसे गलतियां भी है। उस वीडियो पर मैंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक और वीडियो बना दिया जाए पूरा डिटेल्स के साथ। तो जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में हम इस टाइप के ब्लूटूथ पैनल का, इस टाइप के ब्लूटूथ मॉड्यूल, सर्किट कार्ड, जो भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसी सर्किट का आज हम पूरा कनेक्शन जो है गाइस ए टू जेड सीखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो इंसान। अगर आप हमारे परिवार पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कैसा लगा वीडियो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर भी बता सकते हैं। या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर भी बता सकते हैं। या फिर पर्सनल क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पर डीएम से कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एक बार जरूर चेक आउट कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, हमारे पास ये जो किट है कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। मैंने तो प्रीवियसली इसके ऊपर वीडियो बनाया है, लेकिन उस पर कुछ गलतियां थी जैसे कि मैंने बताया, तो इस वीडियो पर हम उन सारे गलतियों को सुधारेंगे और बड़े ही अच्छे से इसका जो कनेक्शन है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो इस किट के साथ गाइस इस तरह से एक इंफ्रारेड रे सेंसर मिलता है। ये सेंसर का गाइस काम ये होता है, जो रिमोट होता है, रिमोट के कमांड को ये रिसीव करता है। अगर ये नहीं होगा तो रिमोट कंट्रोल जो है वो काम नहीं करेगा। तो ये है इंफ्रारेड रे सेंसर जो कि हमारे रिमोट के कमांड को रिसीव करेगा। तो ये है इसका एक मेन कंपोनेंट। अभी हम दूसरे के पास चलते हैं गाइस। जो दूसरा इस तरह से आपको एक यूएसबी पोर्ट मिलता है, जिस यूएसबी पोर्ट को आप यूज़ करके जो यूएसबी है इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, अगर फ़र्क की बात करें इस वाले किट और इस वाले किट में, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस पर गाइस ये जो भी अटैचमेंट है, मतलब यहाँ पर टीएफ कार्ड के लिए स्लॉट, ऑक्स के लिए स्लॉट, यूएसबी के लिए स्लॉट, और यहाँ पर स्विचेस भी लगाया गया है इस वाले पैनल पर। तो इसका बेनिफिट ये है, लेकिन इस पर इसका भी गाइस बेनिफिट है। इसका बेनिफिट ये है कि गाइस देखिए, यहाँ पर जो है ना, ये सब सारे पर्टिकुलर जगह पर सेट हैं। अब जो जहाँ पर भी इसको लगाएंगे, ऐसे पूरा पैनल लगा देंगे, आप इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब स्विच कहीं और लगाएंगे, आपका जो ऑक्स के लिए स्लॉट कहीं और लगाएंगे, यूएसबी के लिए स्लॉट, यहाँ पर जो है गाइस पूरा इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन गाइस इसका थोड़ा दिक्कत भी है, इसका जो कनेक्शन है, इसका कनेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है इस वाले किट के कनेक्शन से। तो इसका जो कनेक्शन है, फिर भी मैं आपको पूरा क्लियर डिटेल्स बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाए और आपको कोई भी परेशानी ना हो इसको कनेक्शन करते हुए। तो गाइस, पहले चलेंगे हम इसके पावर सप्लाई के बारे में। पावर सप्लाई आपको कहाँ देना है? पावर सप्लाई आपको याद रहे, इस किट पर पावर सप्लाई 5 वोल्ट देना है और सही पोलारिटी में देना है। पोलारिटी क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, मतलब सही से पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। यह है इसका पोलैरिटी। तो यहाँ पर आपको पावर सप्लाई इस वाले स्लॉट पर देना है। ये जो स्लॉट गाइस आप देख पा रहे होंगे, दो टर्मिनल यहाँ पर निकला हुआ है। इसको उल्टा करने पर यहाँ पर लिखा होगा 5 वोल्ट, यहाँ पर GND लिखा होगा, मतलब ये है पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला, ये प्लस 5 वोल्ट यहाँ पर एंट्री दिया जाएगा, और यहाँ पर है आपका ग्राउंड। गाइस मैं आपको एक और बार अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये जो है गाइस, ये है आपका प्लस 5 वोल्ट और ये है आपका ग्राउंड, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। यहाँ पर गाइस आपको 5 वोल्ट DC इनपुट देना है। तो गाइस देखिए, अभी इसको हम कनेक्ट करेंगे इस वाले सॉकेट को यूज करके। तो गाइस ये था इसका पावर सप्लाई। अभी हम बढ़ेंगे इसके बाकी कनेक्शन की तरफ। इसके बाकी कनेक्शन गाइस अभी हम चलेंगे स्विचेस के पास। लेकिन गाइस ये जो स्विचेस का कनेक्शन है, ज़्यादातर लोग करते नहीं है, क्योंकि जो इंफ्रारेड रे सेंसर को लगाने के बाद यहाँ जो रिमोट कंट्रोल है गाइस वो काम करने लगता है, और ये जो गाइस जो स्विच का जो कनेक्शन है ना, वो थोड़ा दिक्कत वाला है। उसका पुश बटन भी किसी लोगों को नहीं मिलता। तो मैं आपको यहाँ पर इसका जो स्विचेस है उनका कंट्रोलिंग, उनका कनेक्शन नहीं दिखाने वाला हूँ। अगर आप कमेंट करते हैं तो इसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा। तो अभी चलते हैं इसका IR सेंसर कैसे कनेक्ट करें। तो देखिए गाइस, ये जो IR सेंसर है, इसको कनेक्ट करने के लिए मैं आपको एक बेसिक सा ट्रिक सिखाता हूं। यहां पर ये जो सेंसर है, इस सेंसर को इस तरह आता है ना, ये एक साइड है, ध्यान से देखिए गाइस, ये एक साइड है और ये दूसरा साइड है। तो इसको क्या करेंगे, आप इस तरीके से पकड़ेंगे उल्टा करके। देखिए गाइस, दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, इस तरह से आप उल्टा करके पकड़ेंगे, और उल्टा करके पकड़ने पर ये जो लास्ट 3 टर्मिनल, देखिए गाइस यहां पर अच्छे से देखिए, ये जो 3 टर्मिनल के पास आप ऐसे कॉन्टैक्ट करवाएंगे, तो यहां पर गाइस लिखा होगा आपको 3 वोल्ट
यहाँ पर लिखा होगा IRDO और यहाँ पर ग्राउंड लिखा होगा, मतलब ये जो तीनों के तीनों टर्मिनल है गाइस वो आयर सेंसर के लिए है। और गाइस ये जो आयर सेंसर है ध्यान रहे यहाँ पर आपको थोड़ा उल्टा करना है, इसको इसके साथ नहीं करना, क्योंकि ये जो आयर सेंसर का जो बीच वाला है, बीच वाला ग्राउंड होता है और ये वाला जो है वो जो लिखा है यहाँ पर IRDO वाला टर्मिनल ये होता है। तो आपको क्या करना है, देखिए सब कुछ सेम रखना है, ये जो ये वाला आयर सेंसर का ये वाला टर्मिनल को आपको सीधा सीधा 3 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना है और ये जो ग्राउंड का हिस्सा है ग्राउंड के हिस्से को आप इस वाले जो साइड पर ग्राउंड लिखा है यहाँ पर कनेक्ट करना है। और गाइस जो यहाँ पर और गाइस जो ये साइड वाला टर्मिनल है साइड वाले टर्मिनल को यहाँ पर जो IRDO लिखा है इसके साथ कनेक्ट करना है। गाइस अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं आपको कनेक्शन करके भी बताऊंगा बाद में, लेकिन गाइस पहले हम यहाँ पर डायग्राम के ऊपर बात कर रहे हैं ना, तो इसको कंप्लीट करके मैं आपको प्रैक्टिकली भी इसको कनेक्ट करके दिखा दूंगा। तो गाइस ये थी IR की बात, अभी चलेंगे ऑडियो आउटपुट आप कहाँ से लेंगे। ऑडियो आउटपुट गाइस यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ एक और बार। यहाँ पर गाइस देखिए लिखा है DACL और उसके बाद लिखा है AGND और गाइस उसके बाद लिखा है यहाँ पर DACR। ये जो एंड के तीनों टर्मिनल है ये है गाइस आपका ऑडियो आउटपुट का, ये है R का, ये है L का, बीच का आपका ग्राउंड का। ये जो DACL लिखा है ये है L का और ये जो DACR लिखा है ये है R का और बीच का हो गया आपका ग्राउंड का। ये तीनों गाइस ऑडियो आउटपुट के लिए है, जैसे कि आपको पता होता है स्टीरियो बोर्ड में LR और ग्राउंड होते हैं, तो ये इसी का ही है, ये है L, ये है R और ये है गाइस आपका ग्राउंड। तो इस तरह था इसका बेसिक सा कनेक्शन ऑडियो आउटपुट के लिए। और जो बीच में गाइस ये टर्मिनल है ये कीज के लिए है, मतलब बटन्स के लिए है, जो कि ज़्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो हमारा पावर सप्लाई गया और यहाँ पर ऑडियो आउटपुट गया, आयर सेंसर भी गया, अभी आता है इसके USB की तरफ। लेकिन गाइस USB के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये जो टर्मिनल है ये है आपका ऑक्स इनपुट के लिए, जैसे कि ये वाले पैनल पर यहाँ पर एक ऑक्स का मोड दिया गया था, तो यहाँ पर भी ऐसे एक्सटर्नल के लिए ऑक्स का मोड दिया गया है। अगर आपके पास ऐसे ऑक्स का सॉकेट होगा तो आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं। या इसका जो LR और ग्राउंड है यहाँ पर ये है, देखिए यहाँ पर लिखा है गाइस AR लिखा है, देखिए मैं आपको फोकस करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए गाइस यहाँ पर जो AR लिखा है ये है इसका R, AG लिखा है ये इसका ग्राउंड, AL जो लिखा है ये है इसका L, LR और ग्राउंड, ये है ऑडियो इनपुट के लिए। यहाँ पर ध्यान रही है इनपुट और यहाँ पर जो है ये है आउटपुट के लिए। यहाँ पर आपको ऑक्स का जो सॉकेट आता है इस तरीके का यहाँ पर आपको इस पर लगाना है। तो अभी चलते हैं गाइस USB की तरफ। USB आपको सबसे दिक्कत वाला कनेक्शन इस पर लग रहा होगा, लेकिन जितना आपको लगता है दिक्कत वाला उतना है नहीं, समझने के बाद सब कुछ गाइस ईजी है। तो देखिए USB को सिंपल सा आप इस तरीके से पकड़िए, सिंपल सा USB को इस तरीके से पकड़िए। देखिए ये जो USB पर आपको 4 तार मिल जाएंगे, यहाँ पर गाइस मैं दिखाता हूँ, देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर 4 तार आपको 4 टर्मिनल्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो टर्मिनल है ये है आपका ग्राउंड का और ये है आपका पॉजिटिव का, और जो बाकी 2 रहे वो है आपके डाटा जो इनपुट आउटपुट होता है, डाटा के बिल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो उसके लिए है। इसी कंडीशन पर भी गाइज आपको इस तरीके से दिखने को मिलेगा। तो इस सिंपल सा आप जो USB का पोर्ट है, ये USB का पोर्ट को इस तरीके से पकड़िए, इस तरीके से उल्टा करके पकड़िए, यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए, यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए। तो देखिए जिस टर्मिनल के सीधा में जो टर्मिनल रहेगा वही है उसका। तो देखिए अभी यहाँ पर VDD लिखा है, VDD का मतलब होता है पॉजिटिव सप्लाई। ये जो पॉजिटिव सप्लाई है गाइज यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर गाइज D- लिखा है, ये जो D- गाइज लिखा है वो यहाँ पर लगेगा और गाइज जो T+ लगा है वो यहाँ पर लगेगा और जो ग्राउंड लिखा है वो गाइस यहां पर लगेगा। तो चलिए अभी इसका कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन करने के बाद मैं आशा करता हूं आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। गाइस काम के बीच में लेट्स हैव सम कैडबरी ब्रेक।
यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो सारा कनेक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एम्पलीफायरिंग के लिए हमने पाम 8403 सर्किट का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमने इसके ऑडियो इनपुट, इसका ऑडियो आउट जो है वो लगाया है। गाइस यहाँ पर ऑक्स के लिए हमें सॉकेट एक्सटर्नल नहीं मिला, तो हमने सीधा सीधा एक ऑक्स केबल को ही यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर गाइस यूएसबी को भी हमने इसे कनेक्ट किया है। तो मैं आप एक और बार आपको इसका कनेक्शन दिखा देता हूँ, आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल लीजिए, फिर आप बाद में उसको देख कर एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या कुछ किस तरीके से कनेक्शन होगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से है इसका कनेक्शन। अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको 5 वोल्ट का सप्लाई देंगे यहाँ से। ये है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, और एम्पलीफायर को भी चलाने के लिए हमें 5 वोल्ट का सप्लाई चाहिए होगा। तो इनको, इन दोनों को अभी हम पैरेलल कर देंगे। गाइस यहाँ पर सब कुछ डन होने के बाद अभी हम इसको पावर सप्लाई देकर देखेंगे। तो पावर सप्लाई देने के लिए सिंपल सा मैं यहाँ पर आप इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पर गाइस बीटी लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये भी पावर ऑन है, मतलब ब्लूटूथ मोड पर है। तो मैं अभी माइक को स्पीकर के पास ले जाता हूँ, और गाइस अभी हम इसका क्या करेंगे, मोड को चेंज करके देखेंगे कि क्या रिमोट कंट्रोल काम करता है या नहीं। गाइस देखा आपने, अभी मैंने मोड स्विच को दबाया तो जो एफएम मोड है वो चालू हो गया, अभी AUX मोड पर है। तो अभी हम क्या करेंगे गाइस, इस पर म्यूजिक प्ले करेंगे AUX मोड पर। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, अभी हमारा ऑक्स मोड पर तो ठीक ठाक चल रहा है, अभी हम इसको क्या करेंगे, ब्लूटूथ मोड पर चलाकर देखेंगे। गाइस ब्लूटूथ मोड पर चलाने के लिए सिंपल सा आपको इसका मोड स्विच को प्रेस करना पड़ेगा। अभी देखा गाइस, अभी ब्लूटूथ मोड बोला, तो अभी हम क्या करेंगे, ब्लूटूथ पर इसको पेयरिंग करेंगे और गाइस देखेंगे क्या होता है। गाइस देखिए अभी हमारा पेयरिंग भी सक्सेस हो चुका है, अभी हम क्या करेंगे म्यूजिक प्ले करके देखेंगे। देखा यहाँ पर ब्लूटूथ मोड से भी म्यूजिक जो है प्ले हो रहा है, तो इसका ब्लूटूथ मोड हो गया, ऑक्स मोड हो गया। तो अभी हम इसको यूएसबी मोड पर भी चलाकर देखेंगे। सिंपल से आपको यूएसबी मोड के लिए क्या करना होगा, इसके मोड स्विच को प्रेस करके, अभी देखिए गाइस AUX मोड पर है। अभी हम सीधा सीधा क्या करेंगे, यूएसबी को लेंगे और इसके यूएसबी वाले स्लॉट पर लगाएंगे और देखेंगे क्या होता है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि हमारा जो ब्लूटूथ पैनल है वो पूरा सक्सेस हो चुका है। अगर आप रेटिंग्स की बात करें तो ये वाले पैनल को मैं पूरा 5 रेटिंग्स देना चाहूंगा इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये कनेक्शन जो है सारे समझ में आ गए होंगे। तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, इस किट का सारा वायरिंग आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली ट्रेंड करवा दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, परिवार पर नहीं परमानेंटली जुड़ने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, और गाइस कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन पर भी बता सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।